हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्कूल ऑफ वर्ड पावर। माय नेम इज अमित सेंगर। लेट्स स्टार्ट कंप्यूटर लेक्चर नंबर 5 विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट कार्यकर्ता, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफ़र के लिए जिस तरीके के मेथड का इस्तेमाल किया जाता है वो पैकेट स्विचिंग कहलाता है। वास्तविकता में अगर बात करें तो डेटा ट्रांसफ़र के लिए नेटवर्क में 3 तरीके के मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। एक तो होता है सर्किट स्विचिंग, एक होता है पैकेट स्विचिंग और एक होता है मैसेज स्विचिंग। ये 3 डेटा ट्रांसफ़र के लिए मेथड्स नेटवर्क एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यहाँ जो इंटरनेट की बात कर रहे हैं, इंटरनेट में जिस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है पैकेट स्विचिंग का। तो यहाँ पर पैकेट स्विचिंग हमारा राइट आंसर है। बात समझ गए मेरी? इससे भी आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजिन है? तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है बाइडू। हम लोगों ने जो सर्च इंजन के बारे में सुना है वो सुना है गूगल के बारे में। थ्रू आउट द वर्ल्ड गूगल सर्च इंजन यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर अपने पास बाइडू दे रखा है। गूगल की ही तरीके बाइडू भी एक सर्च इंजन है। जैसे गूगल है वैसे बाइडू भी एक सर्च इंजन है। बाइडू सर्च इंजन चाइना का है। गूगल चाइना में अप्रोक्सीमेट अपनी सारे फीचर्स या सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाता है, क्योंकि उस पर चाइना में काफ़ी बैंस लगे हुए हैं, पाबंदियाँ लगी हुई। चाइना उस बैंस की वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो गूगल की फैसिलिटीज़ को उस लेवल पर यूज़ नहीं कर पाते हैं जिस लेवल पर रेस्ट ऑफ द कंट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज़ करती है। चाइना का अपना सर्च इंजन है, वो है बाइडू। तो यहाँ पर मैं बाइडू में टिक कर देता हूँ। बाइडू राइट आंसर है कि सर्च इंजन पूछा गया, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि कहाँ का है। इससे भी आगे चलते हैं। पैकेट बी ऑप्शन में दे रखा है। पैकेट क्या होता है? जब नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है वन साइड टू अनदर साइड। तो मान लीजिए एक फ़ाइल है, चाहे वो वीडियो फाइल मान लीजिए या फिर मीडिया फाइल मान लीजिए, ठीक है, और या फिर आप समझ लीजिए वो डॉक्यूमेंट की फाइल है। तो अगर एक प्लेस से यानी एक सिस्टम से या एक मशीन से दूसरे मशीन में जब वो ट्रांसफ़र होगी तो वो पार्ट्स में ट्रांसफ़र होती है, पूरी फाइल एक साथ ट्रांसफ़र नहीं होती, वो पार्ट्स में होती है। वो जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं एक फाइल के उनको पैकेट बोला जाता है। ये वही वर्ड है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं कि कुकीज़ भी दे रखा है। कुकीज़ क्या होता है? जिस समय हम लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस समय हमारा ब्राउज़र हमारी एक्टिविटी से मतलब ये है कि हम किन किन वेबसाइटों पर गए और उन वेबसाइट्स पर जाने के बाद हमने किस वेबसाइट्स पर क्या क्या किया और कितनी देर उनके पेजेस पर स्टे रहे, यानी एक्टिविटी परफॉर्म की। इन सब का डिटेल जो होता है वो ब्राउज़र अपने पास कंटेन करके रखता है। वो जो फाइल बना के रखता है ब्राउज़र अपने पास वो कुकीज़ कहलाती है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि कुकीज़ क्या होती है। कभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो यहाँ पर देखिए 3 तरीके को क्वेश्चन ऑप्शन से ही, हालांकि हम लोगों को ऑप्शन ए से मतलब है लेकिन बी और सी से भी आंसर क्वेश्चन कभी फॉर्म हो सकता है। तो मैंने आपके साथ बी और सी भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया? फर्स्ट से शुरू करते हैं। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर यहाँ पर दे रखा है ए ऑप्शन ने, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया ब्राउज़र है। जबकि फायरफॉक्स मोजिला कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया ब्राउज़र है। जबकि सफारी की बात करें तो इसको एप्पल कंपनी ने बनाया है और क्रोम गूगल के द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र है। तो ये चारों जो दे रखे हैं ये वेब ब्राउज़र है, इनको अलग अलग कंपनी ने बनाया है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का, जबकि फायरफॉक्स मोजिला कॉरपोरेशन का बनाया हुआ, सफारी एप्पल का बनाया हुआ और ये क्रोम गूगल का बनाया हुआ है। तो डी आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? यानी जो नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं ये कंपनीज़ के नाम है। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया कि इनमें से दी गई कंपनीज़ में से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने फर्स्ट टाइम लैपटॉप को मार्केट में लॉन्च किया था। तो अपने पास जो आंसर है वो पहला तो ह्यूलेट पैकार्ड दे रखा है, जिसको हम लोग HP के नाम से भी जानते हैं, फेमस ब्रांड है। सॉफ्टवेयर, ये जो कंपनी है ये सॉफ्टवेयर बनाती है, हार्डवेयर बनाती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों प्रोडक्ट में डील करती है और अमेरिका की कंपनी है। एप्सन जो दे रखा है, बेसिकली ये वो कंपनी है जिसने पहला लैपटॉप
बाजार में उतारा था, मार्केट में उतारा था। यहाँ पर अपने पास एसर दे रखा है। एसर एक ताइवान की कंपनी है और ये लैपटॉप भी बनाती है, टैबलेट्स बनाती है और स्मार्टफोन्स बनाती है। इसी तरीके से और भी प्रोडक्ट इस कंपनी के मार्केट में है। इससे आगे चलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? तो पहला तो दे रखा है वीडियो। वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सामान्य शब्दों में कोई भी आउटपुट डिवाइस, डिस्प्ले आउटपुट डिवाइस, वो वीडियो कहलाएगी। इसका एग्जांपल अगर है तो आपके दिमाग में मॉनिटर आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर है कि वीडियो का एग्जांपल मॉनिटर हो सकता है। चाहे मॉनिटर कह दें या विजुअल डिस्प्ले यूनिट कह दें, दोनों ही सही हैं। मॉडेम दे रखा है। मॉडेम एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करती है। ये भी मैं आपको पहले अपने लेक्चर में बता चुका हूँ। यूनिक्स की बात कर लेते हैं। जो यूनिक्स नाम लिखा हुआ है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ XP है, विंडोज़ 7 है, 8 है, विंडोज़ 10 है। इसी तरीके से यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ेगा तो कौन जोड़ेगा? मॉडेम जोड़ेगा। ई व्यापार कहें या ई कॉमर्स कहें तो इससे क्या तात्पर्य है? जब कभी भी इंटरनेट पर प्रोडक्ट को, किसी भी चीज़ को खरीदा या बेचा जाता है या सुविधाओं को बेचा या खरीदा जाता है, ठीक है, सर्विसेज, सुविधाओं से मतलब सर्विसेज है, सर्विसेज को आप परचेज कर रहे हैं या उनको किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो अगर इंटरनेट के माध्यम से हो रही है तो वो कहलाता है ई कॉमर्स। क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। यानी डूइंग बिजनेस थ्रू द इंटरनेट। तो इसका मतलब सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट पर स्विच करते हैं। गूगल द्वारा प्रस्तुत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले एक चर्चा कर रहे थे कि हमारे पास जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होते हैं और जो मोबाइल होते हैं उनके ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होते हैं, तो यहाँ पर मोबाइल्स के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, कंप्यूटर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं हो रही। पहली बात तो ये। iOS दे रखा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है और ये एप्पल का है। iOS किसने बनाया? एप्पल कंपनी ने। ब्लैकबेरी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, इसको ब्लैकबेरी कंपनी है उसने बनाया है। सिम्बियन जो है वो साइन कंपनी है उसने बनाया है, जबकि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने बनाया है? गूगल ने बनाया है। बात समझ गए? तो मैंने आपको iOS बताया, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल ने बनाया, ब्लैकबेरी कॉर्पोरेशन ने बनाया है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है और कंपनी का नाम भी वही है। सिम्बियन साइन ने बनाया है, साइन एक कंपनी का नाम है, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है और एंड्रॉयड को किसने बनाया? गूगल ने बनाया। इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट नंबर से लेके 7 नंबर तक सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। गूगल के लिए जो आंसर यहाँ पर होगा वो एंड्रॉयड होगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।